ये है युसुरु। युसुरु क्या होता है? मुझे तो ये लग रहा है कि आज की वीडियो में कुछ तो खास होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं कि राइस ऑर्डर टिकटॉक के या फिर यूट्यूब की देन है? गलत है। ये हाइन पीरियड से चलता आ रहा है। हाइन पीरियड मतलब कि 794 से लेके 1185 की जो महिलाएं थी, उस दौर की महिलाएं, वो युसुरु, उस टाइम पे राइस वाटर को युसुरु बोला जाता था। वो युसुरु का यूज अपने बालों पे करती थी और उनके बाल इतने लंबे, घने, काले, शाइनी थे, एक भी बाल व्हाइट नहीं था। और उन महिलाओं को आपको पता है क्या बोला जाता था? शुभ्राक्षी। कितना अच्छा नाम है ना, शुभ्राक्षी, मतलब कि शुभता का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के लंबे हेयर होते हैं वो शुभ होती हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये मत सोचना कि मैं खुद की प्रेज कर रही हूँ, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो राइस वाटर आजकल की देन नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है और इसके बारे में आपको नॉलेज होनी भी चाहिए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ताकि आप लोगों को पता चले। राइस वाटर मैंने बहुत बार बताया है कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आज अमेजिंग तरीके से हम यूज करेंगे। मैंने याओ वुमन्स के ऊपर भी कैसे वो अपना राइस वाटर से बालों को धोती है उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में बात करते हैं आज की रेमेडी की, जो बिल्कुल अमेजिंग है और इसको लगाने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो लड़कियां कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है, टीनेजर्स हैं, वो इस रेमेडी के साथ बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से जा सकती है। ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। आज की रेमेडी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की रेमेडी वो कमाल ढाने वाली है आपके बालों पे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे पास है मिल्की वाटर। मैंने चावल को रात भर भिगो के रख दिया था और आपको मिल जाएगा आपका मिल्की वाटर। पूरी रात भिगो के रखना है, एक दो घंटे के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो फिर पहला हमारा इन्ग्रीडियंट्स ये है। सेकेंड हमारा इन्ग्रीडियंट्स होने वाला है ओनियन जूस। ये मैंने ओनियन जूस निकाला है क्रश करके और आप उसको छान लेंगे तो इस तरह से आपको ओनियन जूस मिल जाएगा। लगभग 2 चम्मच के करीब आपको ओनियन जूस लेना है। अब ओनियन जूस के बारे में मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मेरा फेवरेट है ओनियन जूस। जब भी मुझे ये लगता है ना कि मेरा हेयर फॉल यार बढ़ गया है, ओनियन जूस लगाती हूं, कुछ नहीं सोचती समझती और हेयर वॉश कर लेती हूं, इंस्टेंट मेरा हेयर फॉल रुक जाता है। तो ये जो चावल का पानी है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल चुके हैं। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाला है, सोच के देखिए जरा, और वो है हमारा दही का पानी। दही का पानी आपको कैसे मिलेगा? आपको दही छन्नी के अंदर डाल के रख देनी है, नीचे एक कटोरी रख देनी है और उसका पानी अपने आप टपक जाएगा और आपको कुछ इस तरह का पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही का पानी। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और ये आपकी मैजिकल रेमेडी बनके तैयार है। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल रेमेडी दे रही हूँ? और सिंपल तो है ही, साथ में बहुत अमेजिंगली तरीके से आपके बालों पे वर्क करती है, ओके। तो ये रेमेडी हमारी बनके तैयार है। अब बारी आती है कि आपको इसे कैसे लगाना है, तो फिर चलिए जल्दी से मैं बताती हूँ कि आपको कैसे लगाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं ये बताने से पहले कि इसको कैसे लगाना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिजल्ट दिखा देती हूँ। आप पूछते हैं कि आप मोस्टली कौन सी रेमेडीज यूज करती है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं मोस्टली कौन सी रेमेडीज यूज करती हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ दिन पहले मेरे यहाँ के बाल मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वो अगर मुझे क्लिप मिली तो ये बाल मैं वो वाली क्लिप लगा दूंगी, तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरे बाल जो हैं ये इतने लंबे हो रखे हैं और पहले कितने थे, ये सिर्फ इतने ही लंबे थे, लगभग इतने इंच बड़े हैं। और जो ये रेमेडी मैं आप लोगों को बताई है ये मैं कंटिन्यू यूज करती आई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ओनियन है वो मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जो चावल है ना उसके अंदर विटामिन सी बी डी होता है, आपके बालों में वॉल्यूम लेके आता है, आपके बालों को रिजुनेट करता है, बालों की हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एक प्रोटेक्ट लेयर बना देता है आपके बालों पे चावल, जिससे आपके बाल मोटे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, चमकीले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, काले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ओनियन लिया है जिसके अंदर सल्फर होता है, दही, अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। तीनों का ब्लेंड आपस में मिक्स होना मतलब कि एक मैजिकल रेमेडी के रूप में तैयार होना, बहुत मैजिकल रेमेडी है। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार बनाइएगा, इसे लगाइएगा। लगाना कैसे है, स्प्रे बोतल में भर लेना है इसको और भर के अपने हेयर रूट से लेके अपनी हेयर लेंथ पे प्रॉपरली तरीके से आपको इसे लगाना है,
कब लगाना है? रात को सोने से पहले लगाना है, और सुबह उठ के आपको शैम्पू करना है। शैम्पू की बात आ रही है, हमेशा केमिकल फ्री शैम्पू यूज करना है आपको। लेंथ पे लगाना है, जिन लड़कियों को दो मुंह बालों की प्रॉब्लम है, इसको लगाने से आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी परमानेंटली चली जाएगी बिना कट किए बालों के। ट्रस्ट करके देखिएगा एक बार रेमेडी के ऊपर और फिर लगाइएगा, या फिर आप इसको शैम्पू करने से 3 घंटे पहले लगाइए, 1 या 2 घंटे पहले नहीं, 3 घंटे पहले, ताकि अच्छे से आपके स्कैल्प के ऊपर ये रम जाए, पेनिट्रेट हो जाए और ये अपना फायदा आपके बालों को दे पाए। बहुत अच्छी हेयर रेमेडी है, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। प्लीज हाथ जोड़ के मैं ही रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज एक बार जरूर ट्राई करें। जो भी आपका फीडबैक होता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। अमेजिंग होम रेमेडी है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस रेमेडी के साथ, क्योंकि ये अमेजिंगली तरीके से आपके बालों पे, आप खुद ही देख लेना यार, लेकिन रिक्वेस्ट लगा लीजिएगा प्लीज एक बार। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक प्यारी से अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।